आज दिनांक 19/6/2020 को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी के नेतृत्व में विश्वविद्यालय के कुलपति व अध्यक्ष छात्र कल्याण को ईमेल के माध्यम से ज्ञापन भेजा गया। इस अवसर पर विभाग संयोजक सुमित सिंह ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान विश्वविद्यालय व यूजीसी के माध्यम से सुझाव आ रहा था फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर बाकी छात्रों को प्रायोगिक परीक्षा व पिछले वर्षों के अंकों को पैमाने मानते हुए वैश्विक संक्रमण के इस काल में छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा, लेकिन विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए प्रेस विज्ञप्ति से प्रतीत हो रहा है कि विश्वविद्यालय के शीर्ष अधिकारियों को छात्रों के स्वास्थ्य व वर्तमान कोरोना के भयावहता से कोई लेना देना नहीं है। इस कालखंड में किसी प्रकार का परीक्षा आयोजित करने से संक्रमण का खतरा बन सकता है या स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद परीक्षा का विरोध नहीं कर रही है, लेकिन हमें छात्रों व परीक्षा लेने वाले शिक्षकों के स्वास्थ्य का चिंता सता रही है, क्योंकि प्रतिदिन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्रांतर्गत जिलों में संक्रमण का मामला बढ़ रहा है। अतः जो भी फैसला लिया जाए छात्र हितों को ध्यान में रखकर विश्वविद्यालय निर्णय ले। कल से हम देख रहे हैं विश्वविद्यालय क्षेत्र अंतर्गत कई लोग जिलों के प्राचार्यों द्वारा OMR के माध्यम से परीक्षा लेने के लिए छात्र संघ व छात्रों से सुझाव मांगा जा रहा है।